बाद में पूरी करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा जितनी भी माताएं बहनें और युवा साथी या बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोलेंगे। रेडी हो, तैयार हो, इनकलाब। ना 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 ना, भूख तो लग रही है, सारा दिन हो गया बैठे हुए, लेकिन एक बार है ना तसल्ली से हो जाए। दो गांव लगते हैं छोटे छोटे, ढाणी सासला ढाणी बोधराज, ऐसे ही है ना, तो दोनों के अंतिम छोर तक आवाज जानी चाहिए। इनकलाब, इनकलाब। सबसे पहले तो मैं यहाँ की पावन धरती को अपना नमन करता हूँ, और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि बहन प्रोफेसर कविता सिंह, जो कि आयरन लेडी से अभी, जो आयरन लेडी के खिताब से अभी अभी नवाजी गई है पीछे 31 अक्टूबर को, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो अपने नवज्योति स्कूल है इनके संचालक सुभाष चौरान जी का, कि आज हमारे को मौका दिया आप सभी साथियों से, माताओं बहनों से रूबरू होने का। बात लगा दी मोटिवेशनल स्पीकर, रही बात जो हमारे सामने मातृशक्ति बैठी है, मैं इससे ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर किसी को नहीं मानता, क्योंकि ये वो ताकतें हैं जो कि यहाँ पे चाहे साइंटिस्ट पैदा हुए हों या यहाँ पे सरहदों पर लड़ने वाले वीर सपूत, सबकी जननी, सबको दुआएं देने वाली और सबकी ताकत, ये हमारी मातृशक्ति होती है। एक बार इनके नाम के ना जोर से क्लैपिंग हो जाए, तालियां बजा दी जाए। रही बात आज का जो दिन है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मिसाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक अद्भुत सी शुरुआत है। शायद ही कहीं इस तरह से कोई प्रोग्राम या समारोह करके रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को याद किया जाए, क्योंकि लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से लवा लेने वाली उस टाइम पे, जबकि आज भी हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा है, बड़े घूंघट प्रथा है, काफ़ी जो ताई चाची लग रही हैं वो अभी भी उसी पोजिशन में बैठी हैं, और उस टाइम पे आप यकीन मानो आज से 200 साल पहले कैसा परिवेश होगा हमारी समाज का, हमारे जो सोसाइटी है उसका। उसके दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम कब किया, जब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े सूरमा पीछे हटने लग गए थे और डर के मारे एक संधि कर रहे थे कि हमारा राज आपके राज्य में मिला लेते हैं, आप जी करे वैसे करो, हम तैयार हैं, हमारा सर झुक गया। ऐसे मौके पे उन्होंने बिल्कुल बगावत की और लड़ाई लड़ी और अपने जान की बाजी लगा करके जान ही लुटा दी। तो ये कह सकते हैं हम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद जैसी हस्तियाँ, वो बहुत बाद में यानी कि उनके बच्चे जैसे हैं, एक शुरुआत और वो भी नारी शक्ति की तरफ से कर देना, दुर्गा शक्ति का जो एक अवतार होते हैं वो अवतरित हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करके, क्योंकि आज जो दिन है वो नारी का है, वो नारी शक्ति का है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण काफ़ी सारे जो मेरी एज के या मेरे से थोड़े से बड़े हैं उन्होंने देखा भी अपनी आंखों से। एक आयरन लेडी जो कि इंदिरा गांधी के नाम से सभी जानते हैं, जिनकी तस्वीर यहाँ पे भी लगी हुई है, इन्होंने अपने आप को ऐसे पेश किया था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका लोहा माना जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े योद्धा एक डिसीजन लेने में फेल हो जाते थे। ये एक ऐसी शक्ति थी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कहती थी ये चीज़ हो जाए या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो इनके फैसले जो थे वो आज भी मिसाल और शायद ही ऐसी कोई हस्ती पैदा हो। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आज का दिन जो है सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति को समर्पित है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अगर बहन जी आज नहीं आई होती तो मैं तकरीबन आधा पौना घंटा और खींच देता, और खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसी खुराक है, जितना बोलोगे उतना है ना अपना मज़ा बढ़ता जाएगा और बोलने का डबल जोश आएगा। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सभी जो सामने बैठे सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए हमारे को इस तरह की बातें रखे, मैं उनका बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।